हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये मेरी ना 2023 की पहली वीडियो है जो मैं शूट करने जा रही हूँ। इतने दिन से जो आप मेरा कंटेंट देख रहे थे वो था 2022 का, जो कि मैं फिनिश करने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही थी, लगातार अपलोड कर रही थी। आज शायद 10 तारीख हो गई जब मैं शूट कर रही हूँ, रात को 12 बजे के बाद से। तो अभी मेरा मतलब न्यू ईयर एक टाइप से स्टार्ट हुआ है, मेरी फर्स्ट वीडियो है 2023 की। तो आज ऐसे शूट कर रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे जो मस्ट फेवरेट है ना, जो एसेंशियल्स है मेरे विंटर के स्किन केयर के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्किन केयर भी होगा और बॉडी केयर भी होगा, हेयर केयर भी होगा। और मैं ना फेस वॉश वगैरह नहीं शेयर करूंगी, शैम्पू वगैरह नहीं शेयर करूंगी, बिकॉज आपने मेरे काफी सारे रिव्यू देखे होंगे। सेंट बोटानिका मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हेयर वॉश के लिए जो उनका शैम्पू है वो मुझे बहुत पसंद है। ऐसे फेस वॉश मैंने आपको कई सारे रिव्यू दिए हुए हैं जो मेरे मस्ट फेवरेट हैं, उनकी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। अदरवाइज मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ ये मेरा फेवरेट है। तो आज हम ना मॉइस्चराइजर वगैरह इन चीज़ों की बात करेंगे, मेरे मस्ट फेवरेट कौन से हैं। और दूसरी चीज़, ये मेरे एसेंशियल्स हैं, इनके बिना मैं जी नहीं सकती। इस टाइप को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रूखापन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है। और आप सभी को पता है ठंडी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है भाई, कहाँ जाओगे, ठंड इतनी, बाप रे, मतलब इतनी हालत ख़राब हो रखी है ना। ये देखो, गर्म पानी की बॉटल लेके बैठी हुई हूँ, बैठा नहीं जा रहा, हीटर चालू है, बहुत तेज की ठंड हो रही है दिल्ली में। तो स्पेशली धूप का नामो निशान नहीं है और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हद से ज़्यादा बढ़ रही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी गपचप गपचप में कितना टाइम लग गया, अच्छा एक मिनट का वीडियो एवं शूट हो गया। तो ये रही मेरे जो मस्ट एसेंशियल्स हैं, जो मतलब जिनके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है स्किन केयर की, विंटर की स्पेशली। तो चलिए मॉइस्चराइजर से बात करते हैं। तो मॉइस्चराइजर में जो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरी स्किन को सूट करता है, वो है बायोडर्मा का ये एटोडर्म क्रैम। तो ये मॉइस्चराइजर मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है ना, तो आप इसके साथ चले जाओ, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करेगा। आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी आपको फील होगी, ऐसे मतलब खुरदुरा फील नहीं होगा। क्योंकि विंटर में क्या होता है, यहाँ का जो एरिया होता है नोज का और लिप्स के, यहाँ का एरिया होता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्किन ना उखड़ने लगती है। तो आप एक बार ये वाला मॉइस्चराइजर ट्राई करो, मस्ट मैं आपको बोलूँगी, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इस वीडियो में जो आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ना, आँख बंद करके चले जाओ इनके साथ, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा यूज करें, आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, बिल्कुल ख़त्म होने को है। मेरे हबी भी यूज करते हैं और मैं भी यूज करती हूँ। मेरी स्किन ड्राई टू नॉर्मल इस टाइप की स्किन है, बट मेरे हबी की सुपर ड्राई स्किन है, तो वो तो यही यूज करते हैं। और इस सर्दी ना उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, पिछली सर्दी बहुत दिक्कत कर रही थी स्किन, इस बार की सर्दी बिल्कुल दिक्कत नहीं कर रही है। 12 बजे रात को कौन जा रहा है यार बाहर? अरे यार, मैंने मॉइस्चराइजर शुरू कर दिया, टोनर से स्टार्ट करना था। ये है द मॉम्स को का नेचुरल हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, तो मैं ये फेस मिस्ट यूज करती हूँ, ज़्यादातर ये यूज करती हूँ। अदरवाइज मैं और भी फेस मिस्ट यूज करती हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं मॉइस्चराइजर जब ज़्यादा हाइड्रेशन वाला लगा लेती हूँ, तो मुझे फेस मिस्ट में इतना ज़्यादा मतलब नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा चूजी हो जाऊँ उसके लिए, तो मैं कोई भी यूज कर लेती हूँ। बट मेरा जो अभी मस्ट फेवरेट चल रहा है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज कर रही हूँ, वो है द मॉम्स को का। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग है, गर्मी के लिए भी काफ़ी अच्छा है, सर्दी के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। तो एक ये है। अब अंडर आई क्रीम के बिना तो मतलब मैं जी नहीं सकती, मुझे चाहिए ही चाहिए। और अंडर आई क्रीम में मैंने ज़्यादा क्रीमों में एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, तो मेरी जो फेवरेट है वो है द मॉम्स को की ये अंडर आई क्रीम है। ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप मेरे डार्क सर्कल देख सकते हो, बहुत रेयरली होता है मेरे डार्क सर्कल होने लगते हैं, बट अदरवाइज मैं डार्क सर्कल से ना फ्री रहती हूँ। क्योंकि आपका खाना पीना का बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो स्लीपिंग टाइमिंग है ना, वो काफ़ी मतलब ज़रूरी है लाइफ में होनी। कितने बजे आप सोते हो, कितने बजे आप जागते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना पीना पानी, ये तो मस्ट है यार। तो साथ ही साथ आपको बाहर से ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी, जिससे आपके डार्क सर्कल्स ना हो, आपकी रियल स्किन हेल्दी लगे, तो उसके लिए ये है। अच्छा, मैं तो सनस्क्रीन रखना भूल ही गई यार। सनस्क्रीन चाहे विंटर हो चाहे समर हो, वो आपको लगानी ही लगानी है। एक्चुअली मैंने लगाई थी और मैं फ्रिज के ऊपर ही भूल गई हूँ, उसे बाहर पे रखी हुई है वो। तो मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की, आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर इमेज दिख जाएगी। तो ये सनस्क्रीन मैं यूज करती हूँ, अभी आपने मेरे पर्पल के हॉल में देखा होगा, मैंने उसमें मंगाई हुई थी। तो ये सनस्क्रीन आप ट्राई करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, आपकी स्किन ना टैन नहीं होगी। चाहे विंटर है, समर है, कुछ भी मौसम चल रहा है, बारिश का कुछ भी, आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। मौसम इतना ज़्यादा जी होता जा रहा है, तो आपको अपनी स्किन के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन जरूर लगाइए, आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं पिलग्रिम का, ये है सुपर सीरम। ये हाइड्रेशन के लिए ना काफ़ी अमेजिंग सीरम है। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाया था स्मिटन से, जी मुझे इतना पसंद आ गया, मैं इसकी बॉटल मंगाने वाली हूँ। और ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ट्राई करा है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सीसी मैं खत्म कर चुकी हूँ उसकी, अब मैं बड़ी बॉटल ही मंगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास दो ही अकाउंट है अभी तो, या फिर मैं भाई से अकाउंट मांगूंगी, उससे मैं फिर से स्मिटन से ये ऑयल मंगाऊंगी, सीरम सॉरी। तो आप देख सकते हो स्किन
इतनी ज़्यादा मतलब ग्लोई लगती है और बिल्कुल भी मतलब स्टिकी नहीं है, बहुत लाइट वेटेड है, एकदम स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। आप देख सकते हो, पता चल रहा आपको, सीरम लगा हुआ है और स्किन ग्लो भी कर रही है। तो ये सीरम मुझे बहुत पसंद आ रहा है और पिलग्रिम के प्रोडक्ट ना अमेजिंग होते हैं। तो मैंने जो ट्राई करा था स्मिटन की ऐप से, तो मुझे ना ये शायद एक ट्रायल पॉइंट का या फिर फ्री मिला हुआ था। तो अभी भी ना मेरे पास 5-6 अकाउंट है, 2 अकाउंट मैं मंगा चुकी हूँ, एक मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, दूसरा है अभी मैं 3-4 और मंगा लूंगी, उसके बाद मैं बड़ी सी चीज की परचेज कर लूंगी। जब तक स्मिटन से फ्री मिल रहा है तब तक तो ले लूंगी, उसके बाद देखी जाएगी। जब तक एक ट्रायल पॉइंट का भी मिलेगा ना मैं ले लूंगी, एक ट्रायल पॉइंट में बहुत सही है यार। तो हाइड्रेशन के लिए मैं ये सीरम यूज करती हूँ। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप ऑयल के साथ भी जा सकते हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं उनके साथ भी आप जा सकते हैं, ग्लिसरीन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यही यूज कर रही हूं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। ये है पिलग्रिम का 2% हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन सुपर सीरम। तो ये मुझे अभी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट ये है। आप रही बात बॉडी की, तो बॉडी के लिए मैं जाती हूँ निविया के साथ, क्योंकि निविया एक ऐसा ब्रांड है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सुपर 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 ड्राई स्किन के लिए बना हुआ है। यहाँ पर लिखा भी है वेरी ड्राई स्किन के लिए, ये जो बॉडी लोशन है वो उनके लिए है। तो पहले मैंने इसका एक व्हाइट कलर का आता है उसकी मैं आपके लिए इमेज लगा दूंगी, वो ट्राई करा था। मेरी स्किन को तो सूट करा था बट मेरे हबी को सूट नहीं करा था, तो मैंने उनके लिए ये मंगाया। बट ये मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रखता है, सॉफ्ट रखता है, सफल रहती है स्किन, तो मुझे इसके बेनिफिट इसके ज़्यादा लगे तो मैंने अपने लिए इसे मंगा लिया। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप व्हाइट वाले के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज ये है निविया का, ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये है बॉडी मिल्क क्या बोले जा रही है, ये है बॉडी मिल्क। मतलब 2023 की पहली वीडियो में इतने ज़्यादा मेरे फंबल होंगे तो फिर आगे क्या होगा। ये है डीप मॉइस्चर सीरम, ये बॉडी मिल्क है और ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है स्किन को, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये मेरा एसेंशियल है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मैं बोरोलिन भी रखना भूल गई हूँ, कितना कुछ भूल गई। बोरोलिन ना मतलब जान है, आप बोल सकते हो हिंदुस्तानियों की वो जान है। बोरोलिन आप लिप्स में लगाओ चाहे अपने चीक्स में लगाओ, अगर आपके होंठ फट रहे हो, नोज से थोड़ा बहुत होता नहीं है ब्लड सा आने लगता है क्योंकि जुकाम होती है तो हम बार बार रगड़ते 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 तो हल्की सी कटने लगती है, बोरोलिन लगाओ रात में, सो जाओ, सुबह तक देखो आपकी नाक एकदम मतलब फ्रेश बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप बोरोलिन ज़रूर रखिए। अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हों, एड़ियाँ में आपको ठंडक के कारण वो मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा रूखा रूखा सा हो जाता है, आप उसमें भी बोरोलिन लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, मतलब बोरोलिन तो कहीं पर भी आप किसी तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, चाहे अपनी स्किन में अप्लाई करिए, चाहे आपकी बॉडी में अप्लाई करिए। वो अच्छा बालों में मत अप्लाई करना, बॉडी और फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, पाँव वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेयर के लिए। तो हेयर में मैं यूज करती हूँ लॉरियल का ये है सीरम। पता नहीं है मैं कब से यूज कर रही हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, पता नहीं मैंने कितनी बॉटल खत्म कर दी है। अब भी इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये भी खत्म होने को है। ये इतना अच्छा सीरम है ना कि मैंने इसके बाद दूसरे सीरम ट्राई करने ही बंद कर दिए। अभी मैं मॉर्गन आर्गन वाला सेंट बोटानिका का यूज कर रही हूँ, आज ही मैंने अपने हेयर में वही ट्राई करा हुआ है, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। मेरे हेयर छोटी बनाई थी ना इसलिए थोड़े से घुंघराले से हो गए, मतलब काफ़ी सुलझे सुलझे रहते हैं सीरम लगाने के बाद। तो ये है लॉरियल का सीरम, ये मतलब मेरा बेस्ट है, मतलब मुझे इतना पसंद है ये सीरम। मेरे ना जो दो मुहे बाल आते थे पहले वो आने बंद हो गए हैं, मैं जबकि अपने बालों को ना खुला ही रखती हूँ, मैं चोटी तक नहीं बनाती हूँ। आज मैंने 2023 में आज वीडियो बनाई, मैंने कहा चल आज चोटी बनाना भी शुरू करते हैं, खुद की केयर करें यार, छोटी छोटी बनाएं, चोटी भी नहीं बनाती थी मैं, अब मैंने छोटी बनाना शुरू करी है। तो नेक्स्ट ये है, बिकॉज ये ना मेरे खुले बालों में भी मेरे बालों की इतनी केयर करता रहा है 2-3 साल से, बट बहुत अमेजिंग सीरम है। आपको बोलूंगी इसकी छोटी सी सी आती है, ज़रूर ट्राई करिए, एक बार खरीदोगे ना खुद दोबारा शॉपिंग करोगे, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे कोई ब्रांड पैसे नहीं दे रहा है चीज़ बोलने के, बट मुझे ये वीडियो जो है ना ये आप आँख बंद करके खरीद लो, ये वीडियो के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट ये है, अब बात करते हैं, ये मैं ना डेली अपने बालों में स्प्रे करती हूँ, ये मेरे हेयर को इतना ज़्यादा नरिश करता है। ये है सेंट बोटानिका का हेयर नरिशिंग स्प्रे स्मूथ थेरेपी फॉर ड्राई डैमेज हेयर। अगर आपके ड्राई हेयर हैं, डैमेज हो रहे हैं हेयर, तो उसके लिए बेस्ट है। आपको जस्ट इसको स्प्रे करना है, मैं आपको दिखाती हूँ, और ये आपके बालों में ना ऑयल ऑयल सा नहीं छोड़ेगा, आपको जस्ट अपने हेयर को इस तरीके से लेके जस्ट स्प्रे करना है, आप देख सकते हो इस तरीके से स्प्रे करना है। तो आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने अपने बालों के और जस्ट इसको स्प्रे करना है। अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट देखने हैं तो आपको इसे डेली यूज करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको अपना हेयर वॉश नहीं करना है, जस्ट अपना कॉम करिए, मस्त एकदम आप फ्रेश हैं, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। सेंट बोटानिका के प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है। इसका मैं शैम्पू यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है,
उसको तो मैं बोलूंगी ट्राई करो करो करो। हेयर का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनकी काफी ज्यादा हेयर रेंज है, मॉर्कन आर्गन उनकी रेंज है, अल्टीमेट करके कुछ रेंज है वो भी बहुत अच्छी है, ये वाली प्रो केराटिन वाली बहुत अच्छी रेंज है, ये ड्राई और फ्रीजी हेयर्स के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो आपको अगर ट्राई करना है, कुछ एक ब्रांड्स के साथ ही मैं कोलैबोरेशन करती हूँ, आपको पता है वो ब्रांड अमेजिंग होते हैं, उन्हीं के साथ मैं कोलैबोरेशन करती हूँ, और ये तो बिना कोलैबोरेशन के बता रही हूँ, दिल की बात बता रही हूँ, बस इतना मान लो। तो ये मैं डेली यूज करती हूँ और ये मैं अपने पैसों से मंगाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रोडक्ट पसंद है ना वो मैं मंगाती रहती हूँ। तो नेक्स्ट ये है, अब लास्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, बिकॉज इसके बिना तो यार स्किन केयर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। ये है लिप बाम, ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम, ये इतना नरिशिंग है ना, और हल्का सा इसमें टेंट भी है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपको मैं थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ, खत्म ही हो गया यार, इतना ही बचा हुआ है। तो ये है स्ट्रॉबेरी लिप बाम, तो इसके अलग अलग फ्लेवर आते हैं, ये सर्दी के हिसाब से ना मुझे बेस्ट लिप बाम लगा। मैं आपको थोड़ा सा हाथ में अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग है, आपके लिप्स से काफ़ी ज़्यादा जूसी से लगेंगे, ग्लोई लगेंगे, और हल्का सा इसमें टिंट है जो कि आपके लिप्स को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। टिंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर आपको टिंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम, इसमें और भी फ्लेवर आते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, जो मेरे फेवरेट एसेंशियल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, स्किन केयर के, हेयर केयर के, बॉडी केयर के, लिप केयर के। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, उससे मेरी आने वाली आपको न्यू न्यू वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। अच्छा कमेंट में ना बताना जरूर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी।